ये स्वेटर्स काफी ज्यादा हैवी है मुझे, भगवान। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज दिस इज अ मीशो विंटर वेयर हॉल। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में देखकर पता चल ही गया होगा, वी ऑलरेडी नो दैट विंटर सीजन इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। एंड इस बार मैंने विंटर सीजन के लिए काफी अच्छी अच्छी शॉपिंग की है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे स्वेटर, स्वेटर वेस्ट और स्वेटशर्ट वगैरह परचेस किए हैं मीशो से। सो उन सबका रिव्यू मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स वॉच आउट द वीडियो। वैसे तो सारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी आई है, पर इस हॉल का सबसे बेस्ट पीस मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगी। तो इसीलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते रहिएगा ताकि आप उस लास्ट प्रोडक्ट को मिस ना करो। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट प्रोडक्ट, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है और ये एक कार्डिगन है। सो इसका इमेज मैं यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगी, प्राइस डिटेल वगैरह सब कुछ मेंशन हो जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड इसका लिंक और प्रोडक्ट कोड जो भी होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज चेक कर लीजिएगा। सो ये बहुत ही ज्यादा सुंदर सा कार्डिगन है, इसमें काफी सुंदर सुंदर रेड कलर के हार्ट्स बने हुए हैं, आप देख सकते हो। एंड इसको मैंने सोचा था कि ये एक बेज कलर का प्रोडक्ट है, पर ये ब्राउन कलर का प्रोडक्ट है। मतलब देखने में ऑलमोस्ट ये बेज कलर के जैसा ही दिखता है, पर इसके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ये ब्राउन कलर का लिखा था। तो वो कार्डिगन है ये वाला। इस कार्डिगन में काफी सारे कलर ऑप्शन है, इसमें ब्लैक कलर है, व्हाइट कलर है। मैंने व्हाइट कलर का परचेस करने का ही सोचा था, पर व्हाइट कलर अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ स्टॉक था। इसीलिए मैंने इसको बीच कलर में परचेस किया। बीच कलर भी काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था। इस कार्डिगन में आपको इस तरह के छोटे छोटे हार्ट्स मिलेंगे जो कि बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है देखने में। प्रॉपर कोरियन पिंटरेस्टी वाइब दे रहा है, जब आप इसको पहनोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। इसका जो कलर है वो कुछ इस तरह का है। अब आप मुझे बताना कि इसको बीच कलर बोलते हैं या फिर ब्राउन कलर बोलते हैं। मुझे तो ये ब्राउन कलर नहीं लग रहा है, मुझे तो ये बीच टाइप में ही लग रहा है। इस कार्डिगन का लेंथ वगैरह काफी ज्यादा अच्छा है, वो जब आप ट्राई ऑन में देखोगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। एंड इसका कलर वगैरह भी काफी ज्यादा सुंदर है, काफी प्यारा सा कलर है। इसका जो फैब्रिक है वो काफी ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा वॉर्म्थ प्रोवाइड करेगा। एंड इसमें आपको इस तरह के छोटे छोटे बटन्स मिलेंगे जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं देखने में। बीच में गोल्डन कलर एंड रेड कलर का जो मिक्सअप हो रहा है वो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। इसमें मेरा साइज एस है और इसका प्राइस डिटेल आपको स्क्रीन पर मेंशन हो जाएगा, तो आप देख लेना। इसका प्रोडक्ट कोड या लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम। जो नेक्स्ट विंटर वेयर है वो है एक स्वेट शर्ट, और इस स्वेट शर्ट का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह का है, आप इमेज में देख सकते हो। और ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है मेल के लिए भी, फीमेल के लिए भी, क्योंकि पहनने के बाद जो इसका लुक आ रहा था वो काफी ज्यादा अच्छा था। और अगर लड़की इसको पहनेंगे तो भी अच्छा लगेगा, लड़कियां पहनेंगी तो भी अच्छा लगेगा। मैं एक्चुअली विंटर सीजन का बेसब्री से इंतजार करती हूँ ताकि मुझे कार्डिगन, स्वेट शर्ट, स्वेटर वेस्ट पहनने को मिले, क्योंकि इन सब चीजों को स्टाइल करने में जो मजा आता है वो बाकी सब चीजों को स्टाइल करने में नहीं आता है। विंटर सीजन जो है वो स्टाइलिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है समर सीजन के हिसाब से। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह का है। मैंने सबको खोल कर देख लिया था। ये स्वेटशर्ट कुछ इस तरह का है, इसमें इस तरह का ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न है, पर इसका जो व्हाइट कलर है वो प्रॉपर व्हाइट नहीं, आप देख सकते हो। ये वाला व्हाइट और ये वाला व्हाइट थोड़ा सा डिफरेंट है, आई थिंक ये ऑफ व्हाइट कलर है, पर ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था पहनने के बाद। प्राइस के अकॉर्डिंग इस स्वेटशर्ट की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। ये इसका जो फैब्रिक है वो बहुत ज्यादा हैवी है और काफी ज्यादा मोटा सा फैब्रिक है, आप देख सकते हो। और इसको आई थिंक मैंने साइज इसको भी मैंने साइज एस में परचेस किया था, पर ये थोड़ा सा ओवर साइज लग रहा है मुझे। वेल, स्वेटर वेस्ट, स्वेटशर्ट वगैरह ओवर साइज ही अच्छे लगते हैं पहनने पे। ये जो स्वेटशर्ट है ये काफी ज्यादा हैवी है आई कैन से, और इसका जो मटेरियल है वो काफी ज्यादा मोटा है। इसको मैंने जस्ट 500 रुपीज के आसपास परचेस किया था। मैं प्राइस डिटेल यहाँ पर मेंशन कर दूंगी, आप देख लेना। पर 500 के हिसाब से इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, और इसका जो लुक है वो लड़कों के ऊपर भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। लड़के भी इसको पहन सकते हैं और लड़कियां तो पहन ही सकती हैं। इसका लुक इस तरह का है कि लड़के भी पहन सकते हैं और लड़कियां भी पहन सकती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा था कि इस स्वेट शर्ट को मैं अपने भाई को दे दूंगी। पर फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, क्या भाई को देना, मैं ही रख लेती हूँ इसको भी। पहनने के बाद इसका लुक बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा था, आप ट्राई ऑन में देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। मुझे विंटर वेयर में स्वेटशर्ट, कार्डिगन्स, स्वेटर वेस, ये सब चीजें मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और मुझे इन सबको लेयर अप करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए मैं बेसब्री से विंटर सीजन का वेट करती हूँ ताकि मुझे ये सब स्टाइल करने को मिले। अब वो दिन आने वाला है,
एंड आई एम रियली एक्साइटेड. सो इसका प्राइस डिटेल वगैरह सब कुछ स्क्रीन पर मेंशन हो जाएगा और इसका प्रोडक्ट कोड या लिंक जो भी होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए. मूविंग ऑन टू द थर्ड आइटम जो कि एक स्वेटर वेस्ट है, और विंटर वेयर की बात हो और मैं स्वेटर वेस्ट को ऐड ना करूं ऐसा हो ही नहीं सकता. सो इसीलिए मैंने बहुत ज्यादा सुंदर सा, बहुत ज्यादा प्यारा कलर का एक स्वेटर वेस्ट भी परचेस किया है मीशो से, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है. आई एम श्योर आप लोगों को ये वाला स्वेटर वेस्ट बहुत ज्यादा पसंद आएगा. सो लेट्स सी. तो वो स्वेटर वेस्ट कुछ इस तरह की पैकेज में आया था. तो ये स्वेटर वेस्ट कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हो. इसका कलर देखो आप, इतना सुंदर सा कलर है, इतना प्यारा कलर है. मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद है एंड स्पेशली स्काई ब्लू और वाइट कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने इसको परचेज किया. वैसे स्वेटर वेस्ट काफ़ी सारे थे पर सबसे ज़्यादा मुझे ये वाला पसंद आया. एंड ऑल्सो इसको मैंने एम साइज से परचेज किया है क्योंकि मुझे लगा कि स्मॉल साइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाएगा, तो इसीलिए. और स्वेटर वेस्ट, स्वेटर वगैरह मुझे लूज फिट ही अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको एम साइज से परचेज किया. अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसके साइज और फिटिंग वगैरह में तो आप एस साइज भी परचेज कर सकते हो. इसका जो कलर है वो कुछ इस तरह का है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया इसका कलर. एंड इसमें इस तरह का व्हाइट कलर का डिजाइन मिल जाएगा आपको. एंड इसका जो फैब्रिक है वो भी काफी ज्यादा थिक है, काफी ज्यादा वार्म्थ प्रोवाइड करेगा ये. ये स्वेटर्स काफी ज्यादा हैवी है, मुझे पता नहीं ये सब इतने हैवी कैसे हो रहे हैं, पर इसका जो मटेरियल है काफी ज्यादा थिक है और क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, इस वजह से ये काफी ज्यादा हैवी हो रहा है आई थिंक. तो पहनने के बाद इसका लुक बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा था. इसको आप काफी डिफरेंट डिफरेंट तरह से लेयर अप कर सकते हो. इसको आप व्हाइट टर्टल नेक के ऊपर पहनो या फिर किसी के भी ऊपर पहनो, ये बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि इसका कलर बहुत ज्यादा प्यारा है. तो इस वजह से इसका लुक बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा था. प्रॉपर आपको कोरियन पिंटरेस्टी वाइब मिलेगा इसको पहनकर. आई थिंक विंटर वेयर के कलेक्शन में आपको स्वेटर वेस्ट और कार्डिगन तो ऐड करना ही चाहिए, और कार्डिगन तो बेस्ट है, मतलब कार्डिगन तो मेरा फेवरेट है. पहनने के बाद इसका एक्चुअल लुक कैसा आ रहा था आप लोग ट्राई ऑन में देख लेना. और इसका जो प्राइस डिटेल वगैरह होगा सब कुछ मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, तो आप अच्छे से देख लेना. इसका प्रोडक्ट कोड या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लीजिएगा. सो मूविंग ऑन टू द फाइनल लास्ट एंड बेस्ट आइटम ऑफ दिस हॉल, सो इसीलिए मैंने इसको बचा के रखा था कि मैं लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगी. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस कार्डिगन विच आई एम वेयरिंग राइट नाउ. सो ये कार्डिगन मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये व्हाइट कलर में, और व्हाइट कलर के स्वेटर्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. आई मीन आपके कलेक्शन में व्हाइट कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर और बेज कलर तो होना ही चाहिए. सो इस कार्डिगन के बारे में मैं क्या बताऊँ, मुझे इसका मटेरियल, इसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी लगी है कि मैं, मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती आप लोगों को. इसका जो मटेरियल है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है, काफी ज्यादा वार्म्थ प्रोवाइड कर रहा है, और इसका मटेरियल काफी ज्यादा थिक है आप देख सकते हो. एंड पहनने के बाद इसका लुक बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा था, वो आप ट्राई ऑन में देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा. सो इस कार्डिगन में भी काफी सारे कलर ऑप्शन है, इसमें रेड कलर है, ब्लैक कलर है, व्हाइट कलर है. आई एम श्योर मुझे व्हाइट कलर इतना ज्यादा पसंद आया तो मैं रेड कलर भी परचेज करूंगी. एंड अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं उसका हॉल भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्योंकि ये कार्डिगन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा. सो इस कार्डिगन को मैं 10/10 दूंगी क्योंकि इसका मटेरियल, क्वालिटी, डिजाइन वगैरह बहुत ज्यादा अच्छा है. तो इसीलिए मैंने चूज किया कि मैं इस कार्डिगन को पहनकर ही वीडियो शूट करूंगी क्योंकि मुझे जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगता है मैं उसको पहनकर ही वीडियो शूट करती हूँ. सो या तो इसको भी मैंने स्मॉल साइज से परचेज किया है, पर मैं सोच रही थी कि ये बहुत ज्यादा फिटेड ना है, पर इसका जो साइज वगैरह है काफी ज्यादा अच्छा आया है और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है ये. इसका भी प्राइस डिटेल वगैरह मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी, तो आप देख लेना. और इसका प्रोडक्ट कोड या लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो और डायरेक्टली जाकर प्रोडक्ट को चेकआउट कर सकते हो जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आ रहा हो तो. सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप यू लाइक इट, आई होप यू एंजॉयड इट. सो इस विंटर वेयर हॉल में आपको सबसे अच्छा कौन सा प्रोडक्ट लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा. सबका प्रोडक्ट कोड, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा. एंड इन सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो. सो यार आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन डू लव योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ एनिमल्स ऑल्सो. थैंक यू सो मच, बाय बाय.